बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती से वेटेरियन एक्ट्रेस तबू ने 90s के दौर में राज किया था। 80s 90s की जब बात होती है तो तबू का नाम सबकी जुबा पर आता है। असल में तबस्सुम नाम है उनका, जिन्हें अब एक नया नाम मिल गया है। नया नाम ही नहीं, नए साल पर उन्हें नया आलिशान तोहफा भी मिला है, वो भी एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर से, ऐसे बॉलीवुड एक्टर से जो उनके जनरेशन से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते। उनसे एक जनरेशन नहीं बल्कि दो जनरेशन के बाद किया है बॉलीवुड पर्दे के लास्ट ईयर बॉलीवुड पर कदम नहीं बल्कि लास्ट टू लास्ट ईयर यानी कि साल 2018 में बॉलीवुड में बतौर एक्टर डेब्यू करने वाले वन एंड ओनली हम बात कर रहे हैं 24 ईयर ओल्ड डैशिंग एक्टर ईशान खट्टर की, जिन्होंने तब्बू के लिए खूबसूरत तोहफा हाल ही में गिफ्ट के तौर पर उन्हें देने का फैसला लिया, ऐलान किया। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम। तबस्सुम यानी कि तबू के निकनेम के अलावा उन्हें मिलने वाला वो खूबसूरत तोहफा, 48 की उम्र में जिस तबू की अब तक शादी नहीं हुई उन्हें अपने दिल को भी देने के लिए तैयार हो गए। वो एक्टर जो उनसे उम्र में 24 साल छोटे हैं, बिल्कुल आधे उम्र के उस एक्टर को हो गया है तबू से प्यार, और इस प्यार का इजहार उन्होंने किया है कुछ ऐसे अंदाज में जिसे देख वाकई में तबू जरूर शर्माएंगी। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 24 साल की उम्र में ही 48 साल, अपने से दोगुने उम्र की एक्ट्रेस को अपना दिल दे चुके हैं शाहिद के पाई यानी कि ईशान खट्टर। अब कैसे ये पॉसिबल हुआ आपके सहन में सवाल तमाम होंगे। आपको बता दें, ईशान खट्टर ने बॉलीवुड टाउन में अपनी जगह अलग बना ली है। अब वो नजर आएंगे तबू के साथ फिल्म असुटेबल बॉय में, जो कि मीरा नायर की फिल्म है। इसकी शूटिंग के दौरान उन्हें तबू से प्यार हो गया है, इसका इजहार उन्होंने हाल ही में एक टॉक शो में किया। उन्होंने बताया कि बहुत आसान था उनके साथ रोमांस करना क्योंकि वो तबू है, उनमें वास्तव में काम आसान करा देने का अपना एक अलग कला है। उन्होंने कहा कि धड़क के दौरान उनके लिए पागल प्रेमी का किरदार करना बहुत आसान रहा और काफी ज्यादा आकर्षक, और खासकर उस किरदार को लेकर वो बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि तबू बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी उन्हें। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दे, साइदा बाई का किरदार तबू निभाती नजर आएंगी, जिसे लेकर तबू को लेकर ये भी कहा है ईशान खट्टर ने कि उनका नाम निकनेम उन्होंने दिया है टबास्को। तबस्सुम के लिए टबास्को नाम अभिनेता ईशान खट्टर ने दिया है उन्हें, ये आलिशान तोहफा भी दिया है। दिल है उनका वो आलिशान तोहफा जो वो तबू को दे चुके हैं, ये उनका कहना है। उन्होंने कहा कि वो तोहफे में तबू को दिल देना पसंद करेंगे, अपना दिल, क्योंकि उससे कीमती उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। और तो और साथ में ये भी कहा कि वो गालिब की कविताओं की पूरी एक किताब तबू को गिफ्ट में देना चाहेंगे क्योंकि वो वाकई में एक मिर्ची है, जिसके लिए उन्होंने टबास्को उनके नाम को प्रयोग किया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ होम से तृप्ति की रिपोर्ट। जी हाँ दर्शकों, ये था हमारा बेहद ही खास प्रोग्राम तबस्सुम यानी कि तबू को लेकर, जिन्हें तबास्को नया नाम मिल गया है। वेल वेल वेल, यहाँ पर हमने बात तबू और ईशान खट्टर की केमिस्ट्री की बात की, तो ये लव ड्रामा और ऑन स्क्रीन मोहब्बत की कहानी देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मीरा नायर की फिल्म असुटेबल बॉय की, जिसमें आपको एक बाई के किरदार में देखने को मिलेंगी तबू, जिन्हें हो जाता है प्यार उनसे छोटे उम्र के एक ऐसे युवा से, युवा लड़के से, जो कि उनकी खूबसूरती का हो जाता है दीवाना। असुटेबल बॉय के किरदार में ईशान खट्टर नजर आएंगे, जिसकी एक्साइटमेंट साफ उन्होंने जाहिर की है। वक्त हो गया है दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी इस लेटेस्ट खबर के साथ आपसे विदा लेने का, फिर लौटेंगी ऐसी ही नई लेटेस्ट टॉक ऑफ द टाउन बने रहने वाली सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल से जुड़ी नई गॉसिप्स के साथ। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। बाय बाय एंड टेक केयर।